Hello friends, welcome to health channel Ayurveda, the pace of life. Ayurveda chikitsa vigyan mukhyata teen dosho yani tridosh siddhan par adharit hai. Vat, pitt aur kaph. In teen dosho ke adhar par hi prakriti ko samjha ja sakta hai. Dosho ki pradhanta ke anusar yani jo dosh adhik hota hai usi ke adhar par prakriti hoti hai. Vataj, pittaj ya kafaj. दो दोषों के मिलने से वात पित्त वात कफ या पित्त कफ वाली प्रकृति बनती है और सन्निपातज यानी तीनों दोषों के आधार पर. ये भाषा शायद सब लोगों को समझ में ना आए, तो हम कैसे समझें कि हमारी कौन सी प्रकृति है और अपनी प्रकृति को समझकर हम कैसे जान सकते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ें खाना पीना फ़ायदा पहुँचाएंगी और कौन सी चीज़ें नुकसान देंगी. प्रकृति मुख्य रूप से जन्म के समय से अलग अलग होती है. प्रकृति के कारण ही कोई व्यक्ति दुबला पतला होता है तो कोई मोटा. किसी को सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, वो दो कपड़े पहनकर भी आराम से रह लेता है, तो किसी को 8-10 कपड़े पहनने के बावजूद ठंड लगती रहती है. इसीलिए सब लोगों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए उनके लिए एक जैसा खान पान और एक जैसी औषधि या मेडिसिन भी जरूरी है कि फ़ायदा दे, ऐसा नहीं है. उनके लिए आयुर्वेद में अलग अलग प्रकृति के अनुसार ही चीज़ें दी जाती हैं, तो हम उसको समझ सकते हैं और उसके अनुसार हम अपनी प्रकृति को जानकर स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो इसे कैसे पहचानें और उसके अनुसार किस तरह के आहार को अपनाएं और स्वस्थ रहें और किस तरह की जीवनचर्या अपनाएं. लेकिन एक वीडियो में तीनों प्रकृति को समझना मुश्किल है, इसलिए अगले वीडियोस में पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति को समझेंगे और आज के वीडियो में वात प्रकृति. लेकिन उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे सेहतमंद जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे ये नई नई जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँचती रहें. वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन होने से बचना चाहिए और ऐसी चीज़ों और औषधियों का सेवन करना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए और टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे ना हो पाए. वात प्रकृति को हम कैसे पहचाने? इन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हमारी प्रकृति वात है. पहला, बॉडी स्ट्रक्चर. वात प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर आमतौर पर दुबला पतला होता है. इनके शरीर में रूखापन मिलता है और ठंड इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है. कलर, अधिकतर गेहुआ या काला होता है. स्किन कैसी होती है? स्किन वात का गुण रूक्ष होता है यानी रूखापन, इसलिए इनकी स्किन बहुत रूखी सी होती है और थोड़ी सी हवा लगने पर ही फटने लगती हैं. एड़ियाँ फटती हैं, होठ और हथेलियाँ भी जल्दी रूखी हो जाते हैं और फटते हैं. कई बार इनकी नसें उभरी हुई सी दिखाई देती हैं. हेयर्स, इनके बाल भी रूखे और पतले होते हैं, हार्ड होते हैं. नेल्स भी रफ होते हैं और जल्दी टूटते हैं. आँखों का कलर मैला सा दिखाई देता है. टंग मैली सी रहती है. इनकी आवाज़ भारी होती है, थोड़ी कर्कश सी होती है. वात प्रकृति वाले व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलने वाले और अधिकतर ज़्यादा बोलने वाले होते हैं. इनका मुंह जल्दी सूखने लगता है. इन्हें कभी ज़्यादा भूख लगती है तो कभी कम लगती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कभी सही तरीके से पेट साफ रहता है. हमेशा इन्हें चलते फिरते कुछ ना कुछ खाने का मन करता है. वात प्रकृति वाले व्यक्तियों में पसीना कम आता है और उसमें बदबू भी नहीं होती है. वात प्रकृति वाले व्यक्तियों में नींद कम आती है और रात में अक्सर नींद खुल जाती है और कई बार वो रात में दांत भी किटकिटाते हैं. जम्हाइयाँ ज़्यादा आती है. जल्दी जल्दी बोलने वाले जैसे होते हैं उसी तरह वो जल्दी जल्दी चलने वाले भी होते हैं. इनकी पसंद और नापसंद कैसी होती है? वात प्रकृति वाले लोग अधिकतर ठंडी चीज़ों और ठंडी ऋतु को कम पसंद करते हैं, क्योंकि वात का गुण शीतल होता है और अपोजिट चीज़ें ही ज़्यादा उन्हें पसंद आती हैं. इसलिए ऐसे व्यक्तियों को गर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गर्मी का मौसम अच्छा लगता है और उन्हें ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है. गर्म चीज़ें, गर्म खाना पसंद होता है. मीठे, खट्टे और नमकीन चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं. इनका स्वभाव, जल्दी गुस्सा आ जाता है. इनका मन हमेशा चंचल रहता है, किसी एक चीज़ पर मन
नहीं लगता है, जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, जल्दी ही किसी काम को शुरू कर लेते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों के मुख्य रूप से पेट में गैस, पेट फूलना जैसी समस्याएं मिलती हैं, जोड़ों के दर्द, साइटिका, अंगों का सुन्न पड़ना, कांपना या फड़कन होना, टेढ़ापन, ये चीज़ें इनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वात के बढ़ने से बदन में दर्द अधिक मिलता है, जैसे जॉइंट पेन, नसों में खिंचाव, सुई चुभने जैसी पीड़ा, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आना, ये चीज़ें वात बढ़ने के कारण इनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मुंह का स्वाद कड़वा सा रहता है, इनकी पल्स तेज चलती है और टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो वात प्रकृति, ये तो लक्षण हुए कि उनके लक्षण कैसे होते हैं और कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए, जो वात को बढ़ाने वाली होती हैं, जो इस तरह की चीज़ों को और बढ़ाने का काम करेंगी, जैसे कड़वी और कसैली चीज़ें, रूखी चीज़ें इन्हें नहीं खानी चाहिए। बहुत कम मात्रा में खाना खाना भी वात को बढ़ाता है। बहुत अधिक भूखा रहना, उपवास रखना, ठंडा और बासी खाना खाना, डिब्बा बंद खाना खाना, अधिक मात्रा में जौ या चना जैसी चीज़ें लेना, मसूर, फूल गोभी, मटर, बैंगन, सेम, मूली, सूखे और बिना भीगे हुए मेवे ज़्यादा मात्रा में लेना भी वात को बढ़ाने का काम करता है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना और नेचुरल वेगों को जैसे मल या यूरिन के वेग को रोकने का काम करना, ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना, ज़्यादा ठंडा पानी पीना, ये चीज़ें भी वात को बढ़ाती हैं। शरीर की क्षमता से अधिक मात्रा में परिश्रम करना, रात में देर तक जागना, इन सारी चीज़ों से वायु बढ़ जाती है, इसलिए इनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और क्या लेना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा? पालक, बथुआ, लौकी फ़ायदा पहुँचाएगी, फलों में अंगूर, नारंगी, शहतूत, पपीता, मीठा अनार, मीठा आम, भीगे हुए या घी में तले हुए अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का, खंजूर जैसी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी। इन सब के साथ इनके लिए कुछ औषधियाँ जैसे सोंठ, हींग, अजवाइन, मेथी दाना, पिपली, दालचीनी, जायफल फ़ायदा देंगी। ये गर्म होती हैं और वात का गुड़ शीत होता है, इसलिए उल्टी गुड़ों वाली चीज़ें इनको फ़ायदा पहुँचाएंगी। सेंधा नमक फ़ायदा देगा। बेल, गिलोय, गुग्गल, शतावर, भृंगराज और अश्वगंधा जैसी मेडिसिन फ़ायदा देंगी। विशेष रूप से वात प्रकृति में जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल मसाज, गर्म और भारी तेलों की मालिश जैसे तिल का तेल, बादाम का तेल की मालिश, खासकर पीठ, सिर, पांव और तलवों पर इसकी मालिश करना इनके लिए बहुत आरामदायक होगा। ऑयल और घी का इंटेक, अकेले गाय का घी के खाने के साथ लेना या कि मेडिकेटेड ऑयल या घी लेना इनको फ़ायदा पहुंचाएगा। गर्म पानी का इस्तेमाल इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमेशा गुनगुना पानी पीना या गर्म पानी से नहाना इनको बेहतर रहेगा। इनको रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर लेना चाहिए। इन सब के साथ प्राणायाम और मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि आप जिनसे समझ सकते हैं कि आपकी प्रकृति वात है या नहीं, और आपके लिए क्या चीज़ें खाना पीना फ़ायदा देंगे और क्या नुकसान पहुंचाएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो की जानकारी से अच्छी तरह वात प्रकृति को समझ सकेंगे और उसके अनुसार आप क्या लेना चाहिए और किन चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए इसे समझकर फ़ायदे उठा पाएंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और लोगों के फ़ायदे के लिए शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।